हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश डॉट हेल्पिंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे बिहार सरकार ने अपने राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के जाति के लोगों के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट प्रदान करती है। इस ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से बिहार सरकार अपने राज्यों के निवासी को नागरिक के आरक्षण प्रदान करती है, ताकि पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरी से आरक्षण की छूट मिल सके, जिससे ओबीसी जाति के लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास हो सके और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ सके। तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दो प्रकार का बनाया जाता है। एक होता है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में और दूसरा होता है भारत सरकार के प्रयोजनार्थ में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार के प्रयोजनार्थ में जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जाता है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा कि इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या इसमें अपलोड करेंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे serviceonline.bihar.gov.in और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे RTPS 3, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पे ऑप्शन खुल के आ रही है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन जो केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ के लिए है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पे, तीनों स्तर पे यहाँ पे बनाई जाती है सर्टिफिकेट ओबीसी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मुझे अभी अंचल स्तर से बनवानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। आप अपने हिसाब से मेल या फीमेल हो, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अभिवादन पे जाके यहाँ पे आप अपना जो भी हो, श्री श्रीमती जो भी हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे स्टेट पहले से ही बिहार सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, अपना ग्राम या मोहल्ला का नाम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे वार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो डालिए, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे, अगर नगर निगम के हिसाब से आते हैं तो वहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे नगर निगम। तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता हूँ, यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आप अपने थाना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे विलेज या पंचायत, जो भी आपका पंचायत है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टेम्प्रोरी एड्रेस, तो यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम है, जब आप करेंगे तो जो ऊपर का जो पता आपने यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगी। उसके बाद से यहाँ पे सीधा यहाँ पे आना है आपको, ये चार नंबर में जहाँ पे रिलीजन दिखा रहा है आपका धर्म, यहाँ पे आप अपना अपने अनुसार यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस भी जाति से आते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना जाति सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे अपना उपजाति सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे अपना ऑप्शन डालेंगे, आप जो भी छात्र हैं, सरकारी सेवा, निजी व्यापार, जो भी हो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पर अपने फादर नेम डालेंगे, यहाँ पर 9 नंबर में आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ फादर, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। नीचे आने के बाद पिताजी का कास्ट लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे नेम ऑफ मदर में अपना माताजी का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, यहाँ पे माताजी का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे 11 नंबर पर नेम ऑफ हस्बैंड का नाम है, जो कि जो फीमेल कैटेगरी का जो शादी होने के बाद जो लेडी यहाँ पर अप्लाई करेंगी उनके लिए है,
और वो अवश्य इस वाले सेक्शन को ज़रूर फिल करें। यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे, हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ आने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डालें, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि जो आपका रेफरेंस नंबर है वो आपके फ़ोन पे चले आएगा मैसेज में। उसके बाद से यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट करिएगा जो कि 20 KB से ऊपर हो और 350 KB के भीतर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिभावक, पिता, पति का स्थिति, अगर ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है तो अगर आपको ये पता है तो दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर ये आप नहीं भरना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो वार्षिक आय है, इस सेक्शन को भरना होगा आपको। आपको नौकरी से आए, व्यवसाय से आए, कृषि से आए, इस वाले सेक्शन को आपको भरना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर भुगतान करते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, यहाँ पे यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट्स के ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आप आपको अपना पहले से जो अंचल अधिकारी से जो निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय जो बनवा के रखे थे, उसका PDF यहाँ पे इसमें अपलोड करना। उसके बाद से आप नीचे आएंगे और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन वर्ड जो है, यहाँ पे ये जो कैप्चा के रूप में आया है, इसको यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले मैं इन सारे डिटेल को फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट के ऑप्शन खुल के आया हुआ है और यहाँ पे एडिट के, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हुई है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्म सही से भरा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आप जाति प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना निवास प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लेंगे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में। यहां पे उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे और यहां पे अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक एक करके सारे फाइल में से यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबमिट वाले ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप जब सबमिट करेंगे तो आपका जो अप्लाई है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पे रिसिप्ट आपका जनरेट हो जाएगा। यहीं पे 10-15 दिन के बाद में सर्विस प्लस के इसी वेबसाइट से, जहाँ से आपने अपना सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है, यहीं से अपना आवेदन संख्या से अपना स्थिति चेक करेंगे। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट बन गया होगा तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हमारे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।